दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं MC Stan के बारे में। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में ये बिग बॉस 16 के विनर रहे हैं और जीतने पर इन्हें 32 लाख कैश और एक कार गिफ्ट मिली है। हालांकि वो एक बजट सेगमेंट की कार थी जिसकी कीमत करीबन 8 से 10 लाख रुपए है, लेकिन इनके पास काफी सारी लग्जरी सेगमेंट की कार है और आज हम उन लग्जरी कार के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कारें हैं और उनमें क्या क्या फीचर आते हैं। लेकिन उससे पहले MC Stan के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो MC Stan का असली नाम है अल्ताफ शेख, जो कि महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और बाय प्रोफेशन ये एक रैपर है। तो ये था MC Stan का छोटा सा इंट्रो। चलिए अब बात करते हैं उन कारों के बारे में जो ये ओन करते हैं, जिसमें से पहली कार है मर्सिडीज की मेबा एस क्लास। ये एक लिमोजिन है, आप इसे सेडान भी कह सकते हैं। ये कार इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी सेगमेंट की कार में से एक है। इस कार के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है S680 4MATIC कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी कि ये कार इंडिया में असेंबल नहीं होती, ये बाहर से मंगाई जाती है। इस कार की डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ है 5469 mm, विड्थ 2109 mm और हाइट 1510 mm, जो इसका व्हील बेस है वो 3396 mm का, यानी ये कार साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर आपको V12 यानी कि 6000 cc का एक बड़ा सा इंजन मिलता है, जो कि 503 hp और 900 nm का टॉर्क निकालता है। इस कार की टॉप स्पीड है करीबन 250 km/h और ये करीबन 0-100 जाती है 4.5 सेकंड में, जो कि काफी तगड़ा है। और ये कार ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस है करीबन 3,20,00,000 से शुरू और आपकी कस्टमाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीजें इसमें डलवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसका प्राइस है वो वेरी करेगा। इसके अंदर एक सेकंड वेरिएंट भी आता है जो कि S580। ये इंडिया के अंदर असेंबल होता है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो इस डायमेंशन पहले की तरह सेम ही रहेगी। डायमेंशन में दोनों ही कार में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंजन में काफी डिफरेंस है। इसके अंदर V8 इंजन आता है जो कि 4000 cc और 503 hp और 700 nm का टॉर्क निकालता है। इस कार की अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये भी 250 km/h है और ये 0-100 जाती है 4.8 सेकंड में, यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस कार के प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस है करीबन 2.5 करोड़ से शुरू और ये कार भी आपको ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में मिल जाएगी। तो ये दोनों ही कार काफी ज्यादा एडवांस फीचर वाली मानी जाती है। इनके अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें एडास लेवल 2 देखने को मिल जाएगा, 13 एयरबैग मिल जाएंगे, 4D साउंड सिस्टम मिल जाएगा और 20 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एरोमेटिक सस्पेंशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद कार डांस भी कर सकती है। और इसके अंदर आपको 12-12 इंच के टच स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट में भी और रियर में भी। तो ये थी मर्सिडीज की एस क्लास, जो कि लग्जरी सेगमेंट की कार कही जाती है। तब तक हम बात करते हैं दूसरी कार की और आप एक छोटा सा काम करें, जो सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को दबाइए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी कार की, वो है कैडिलैक एस्केलेड। ये कार भी बाहर से मंगाई जाती है। इस कंपनी का एक भी शोरूम इंडिया के अंदर नहीं है। अगर इस कार की डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ है 5382 mm, विड्थ है 2060 mm और हाइट है 1948 mm, जो उसका व्हील बेस है वो 3070 mm का, यानी ये कार साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। ये असली बिग डैडी ऑफ SUV है और ये कार आपको 7-सीटर के ऑप्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पेट्रोल और डीजल, यानी कि दोनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में आपको V8 इंजन मिलता है जो कि 6200 cc का है, यानी कि इंजन भी गाड़ी की तरह काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि 420 bhp और 630 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसमें डीजल का ऑप्शन भी आपको मिलता है जो कि V6 है, यानी कि 6 सिलेंडर और 3000 cc का इंजन आपको देखने को मिल जाएगा डीजल में। दोनों ही कार में आपको 4x4 और 4x2 का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस है करीबन 1,20,00,000, यानी कि गाड़ी के हिसाब से उसका प्राइस भी काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 22 इंच के अलॉय मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 36 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। 36 नाम ही बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, सोचिए 36 स्पीकर गाड़ी में कितने ज्यादा लगेंगे, क्योंकि कार नहीं चलता फिरता डीजे है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 14 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा और 17 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी। ये टच स्क्रीन नहीं बल्कि एक चलती फिरती टीवी है। साथ ही साथ इसमें आपको एडास और एरोमेटिक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद ये कार भी डांस कर पाएगी। और इस कार में आपको एक फुल्ली डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी मिल जाएगा फ्रंट और रियर में। तो दोस्तों ये दोनों ही कार MC Stan ओन करते हैं और अभी सुनने में आया है कि ये तीसरी कार भी बुक करने वाले हैं, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई, लेकिन जल्द से जल्द वो रिवील करेंगे और हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप एक और काम करिए, सब्सक्राइब का बटन और साथ में एक बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।